जी वालेकुम कैसे हैं आप लोग दिस दिसअसलम दस्ती फ्राम ऑनलाइन वेब टीचर डॉट को तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट में एस एस एल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है कोई भी वेबसाइट ये हो सकती है सिंपल आपने एच टी एम एल सी एस एस की वेबसाइट बनाई है या कुछ भी किसी भी किस्म की वेबसाइट है मतलब जिसको आप अलग होस्टिंग पे जो है ना लगाना चाहते हैं ये डॉट नेट पे है या फिर पी एच पी बेस्ड है एच टी एम एल किसी भी मतलब वर्जन में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बनी हुई है तो इस पे आप आसानी के साथ एस एस एल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर आपको एस एस एल सर्टिफिकेट खुद से इंस्टॉल नहीं करना आता तो आप हमसे भी ये इंस्टॉल करवा सकते हैं हम एक मामूली सी रकम के बदले हम आपको ये सारे काम करके दे देंगे ये एस एस एल सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए होगा जस्ट आपने एक दफ़ा जो है ना ये सेटिंग करनी है अगर आप हमसे ये सेटिंग करवाते हो तो हम भी इसके चार्जेस लेंगे और इसको छोड़ देना है तो ये लाइफ टाइम जो है ना चलता रहेगा तो कैसे होगा ये सब कुछ तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो सबसे पहले आपने क्लाउड फ्लेयर पे आ जाना है मतलब क्लाउड फ्लेयर पे आपने आ जाना है गूगल पे आपने टाइप करना है क्लाउड फ्लेयर डॉट कॉम तो ये वेबसाइट आ जाएगी इस पर अकाउंट बना लेना है मतलब इसमें लॉग इन कर लेना है जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आप इस पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे ऐड डोमेन हम लोग इस पे क्लिक करते हैं मतलब ये देखें ये है मेरी डोमेन इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ देखिए नॉट सिक्योर आ रहा है मतलब इस पे ऐसे सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो अभी हम लोगों ने ये क्लाउड फ्लेयर पे आना है ये एड डोमेन मतलब ये अभी हम लोग होम पेज पे ठहरे हैं ठीक है सिंपली आपने जो है ना क्लाउड फ्लेयर पर आ जाना है ये ऐड डोमेन हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके वो जो डोमेन हमने कॉपी की है उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं क्विक स्कैन फॉर डी एन एस मैन इंटर डी एन एस रखे अपलोड जो क्विक स्कैन होता है ना इसका ये सही होता है मतलब वो स्कैन करके हमें दे देता है नेम सर्वर हमें दे देता है हमने फिर अपडेट करने होते हैं तो जो क्विक स्कैन रिकमेंडेड आया है उस पर मैंने क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अभी ये हमें नेक्स्ट प्लान पे ले आया ये मोस्ट पॉपुलर है बिज़नेस एंटरप्राइज है लेकिन हम फ्री के साथ जा रहे हैं तो हम ये फ्री पे क्लिक कर देंगे तो अभी ये जो हमारे एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है उनको स्कैन कर रहा है ये थोड़ी देर लगाएगा तो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं और हमें मौजूदा जो है ना डी एन एस दे देगा ये देखें उसने हमें योर ट्रैफिक इज़ ऑलमोस्ट रेडी ठीक है तो इसको हम लोग नीचे की जानेब करते हैं ये कंटिन्यू एक्टिवेशन ये देखे टैक्स रैकर्ड जो है ना उसने खुद ब खुद ही उठा लिया और ये रेकर्ड खुद बना लेगा क्योंकि ऑटोमेशन पे हमने जो किया है ठीक है अब वो हमें तरीक़ेकार बता रहा है कि आपने कैसे करना है तो ये जो नेम सर्वर हैं ये कापी करने हैं अब जिस भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से आपने डोमेन परचेज़ की है तो उस डोमेन पे जो है ना आ जाना है ये देखें ये मेरी नेम चीप पर डोमेन है तो मैं इस पर आ जाता हूँ अभी ये मैनेज पे हम लोगों ने क्लिक करना है ये वेरीफाई कंटेक्ट ये हम बाद में कर लेंगे तो मैनेज पे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये हमारे पास आ जाएंगे डोमेन सेक्शन में ये देखें जो प्रीवियस डीएनएस डी एन एस हैं जो नेम सर्वर हैं उनकी जगह पे जो हमने न्यू क्लाउड फ्लेयर ने दिए हैं वो हम लोगों ने डालने हैं एक हम लोगों ने डाल दिया और दूसरा भी सेम इसी तरह से हम लोगों ने कापी कर लेना है ये हमने भी कापी कर लिया और इसको भी सेम इसी तरह से हम नेम चिप पे आके जो दूसरा हमारे पास डिवीजन है वहां पे भी हमने ये डाल देने हैं ये अभी इसको हमने सेव पे क्लिक कर देना है तो ये अभी हमने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये देखे हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि डी एन एस सर्वे अपडेट में टेक फोर्टी एट आवर टू टेक इफेक्ट अड़तालीस घंटे मैक्सिमम इसको लग सकती है यह तीन चार घंटों में भी हो सकता है बारह घंटों में भी हो सकता है मैक्सिमम अड़तालीस घंटों में ये अपडेट हो जाएंगे जैसे ही ये अपडेट हो जाएंगे तो आगे चल के फिर हमारी वेबसाइट जो है सिक्योर हो जाएगी बिल्कुल जो है ना सिक्योर पे चली जाएगी तो अभी हम क्लाउड फ्लेयर पे आते हैं और यहाँ पे आके थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं मज़ीद अब चेक नेम सर्वर नाउ ये जो सामने नज़र आ रहा है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसको वो चेक करेगा अगर, अगर अपडेट हुए हैं तो वो अपडेट कर देगा और ये रीडायरेक्ट कर देगा लेकिन ये देखें हमारा पास लिखा हुआ है रजिस्ट्रार ट्रेक अपू ट्वेंटी फोर आवर तो हमने कंटिन्यू पे ऐसे ही क्लिक कर दिया जो इसकी सेटिंग है बाकी की वो हम लोग कर देंगे बाकी इसकी सेटिंग जो है ना हम लोग बाद में करते रहेंगे मतलब अपने एंड पे यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर देना है ये देखें अड़तालीस घंटों बाद जैसे ही ये सेटअप होंगे तो फिर ये जो है ना हमारे पास बन के आ जाएंगे तो रिव्यू सेटिंग इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करना चाहें तो ये भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन ये पहले हम लोग रिव्यू सेटिंग मतलब जो एस एस एल की सेटिंग है ना ये हम लोग कर सकते हैं गेट स्टार्टड पे क्लिक करते हैं अब ये देखें ऑलवेज एच टी टी पी रीड्स ये हमारे पास आ रहा है ये एक्टिव आ रहा है अगर आपके पास एनएक्टिव हो तो आपने एक्टिव कर देना है सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें नेक्स्ट ऑलवेज यूज़ एच टी टी पी ये हमारे पास फंक्शन है इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो हमारी वेबसाइट एच टी टी पी एस पे जाएगी अदरवाइज़ नहीं जाएगी इसको ऑन करके इनेबल करके सेव पे क्लिक कर देना है तो अभी ये हमारे पास दो सेटिंग जो है ना फिनिश हो चुकी हैं अभी हमारे पास जैसे ही नेम सर्वर अपडेट होती हैं तो ये हमारे पास एक्टिव हो जाएगा अब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इसको हम लोग देख लेते हैं तो इसको भी सेम इसी तरह से जो है ना आपने देख लेना है इनेबल ऑल अवेलेबल सेटिंग इस पर क्लिक कर दोगे तो जितनी भी स्पीड के रिलेटेड सेटिंग है तो वो हमारे पास बन के आ जाएगी तो ये इनेबल ऑल सेटिंग इस पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया तो सारी की सारी जो है इनेबल हो जाएगी तो अभी हम बेशक इसको रिफ़्रेश करें लेकिन अभी ये रीडायरेक्ट नहीं होगी इसको 24 घंटे कम अज़ कम लगेंगे 12 घंटे भी लग सकते हैं 6 घंटे भी लग सकती हैं तो सेम इसी तरह से मतलब आपने कोई दूसरी चीज़ें देखनी है इमेज ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी आपने करना है तो इसको आपने कर लेना है ये सेम इसी तरह से हो गया एस एस इसको हमने सेट कर दिया हुआ है ओवर यू हम लोग जाते हैं तो ये भी वही चीज़ है जो कि पहले हम लोग इसको सेट कर चुके हैं अपडेट द नेम सर्वर मतलब नेम सर्वर जैसे ही अपडेट होंगे तो ये हमारे पास एक्टिव हो जाएगा ठीक है वैसे सेम मैसेज हमें दिखा रहा है अगर हम दोबारा इसको चेक कर लें तो ऑलरेडी बिन ओनली चेक सबमिट इन वन आवर ठीक है पहले हम लोग चेक कर सकते हैं तो एक घंटे बाद दोबारा हम चेक कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम चेक नहीं कर सकते तो सेम इसी तरह से आपने एस सर्टिफिकेट अपनी वर्ड वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेना है ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया ये घंटी का निशान इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है इस तरह क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़